इस क्रिकेट के बाद बिल्कुल यह आज के दिन का यह अंतिम मुकाबला अंपायर ग्रीन सिग्नल देते हुए हरी झंडी यहां पर दिखाई, लेकिन मुकाबला किस कारण रोका है यह अभी समझ से परी नहीं है, लेकिन जल्द ही यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा दोस्तों। जिस प्रकार आज ये मुकाबला जारी है, शानदार और जानदार मुकाबला, अंतिम मुकाबला होगा आज के दिन का। पहली गेंद इस मुकाबले की, यह फुल टॉस गेंद, दिशा दी डीप मिड विकेट को, क्षेत्र को बाहर जाती हुई, यह इस मुकाबले का पहला चौवा आता हुआ। बिल्कुल पहली गेंद के ऊपर धन धनाता हुआ छक्का, दूसरी गेंद इस मुकाबले में आएगी, ये बाई ओर चली गई, बिल्कुल वाइड दर्शाई अंपायर ने, तो बिल्कुल चार रन और प्लस एक रन, यानी कि कुल मिलाकर पांच रन स्कोर कार्ड के ऊपर तब्दील हो चुके हैं। पांच रन आते ही यहां पर बनाए हैं दोनों टीमों ने। नई गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया संपर्क था ये, बिल्कुल छह रनों के लिए चली जाएगी ये गेंद। थैंकू जी मास्टर। 4 फरवरी 1670 इतिहास के पन्नों का वो आज के सबसे धुरंधर दिन, जहां पर तानाजी मालसुरे हमारे रायगढ़ जिले के, जिन्होंने इतिहास रचा था, स्वराज में पहला कोंडाना किला लाया था दोस्तों, और आज के दिन वही कारनामा करने वाले इंसान भी बने थे। हालांकि कोंडाना लेते लेते वो चल बसे, लेकिन जाते जाते कोंडाना हमारे स्वराज में भी लाया था दोस्तों। ये बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी कराई इस गेंदबाज ने, हालांकि काफी महंगा ओवर ये, पहले ओवर में आया, पहली गेंद के ऊपर 4 रन, दूसरा बाई, तीसरी गेंद के ऊपर 6 रन, कुल मिलाकर 11 रन 3 गेंदों में अभी तक इस गेंदबाज ने दिए हैं। इस बीच अतिरिक्त बाहर वाइड गेंद का इशारा आता हुआ 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 12 रन जब जब सामने आते हैं, 12 नंबर क्रिकेट के राजा युवराज सिंह की याद जरूर आती है। बिल्कुल क्रिकेट के भगवान का वो सपना पूरा किया था, कैंसर से पीड़ित थे 2011 के वर्ल्ड कप में, लेकिन फिर भी जी जान लगाया और क्रिकेट के भगवान का वो सपना उन्होंने पूरा किया था दोस्तों। बल्लेबाज गेंद गई थर्ड मैन रीजन में, आउटफील्ड वहां पर फास्ट है, गेंद को उठाया, लेकिन सिंगल के ऊपर संतुष्ट रहना पड़ेगा बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों को। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर, 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यानी कि क्रिकेट के ऊपर हम क्रिकेट जब जब खेलते हैं, डेडिकेशन काफी आवश्यक होता है। क्रिकेट के प्रति आप क्या प्यार है, क्रिकेट के प्रति आपका क्या लगाव है, क्रिकेट के प्रति आपका क्या योगदान है, ये सभी चीजें मायने रखती है, और यही डेडिकेशन युवराज सिंह ने यहां पर क्रिकेट में दिया था। रिवर्स स्वीप यहां पर बिल्कुल दुधारी तलवार का उपयोग किया, बनी तो आबाद नहीं तो बिल्कुल बर्बाद, लेकिन यहां पर आबाद रहेंगे बल्लेबाज, आबाद रहेंगी टीम, और इसी के साथ मिलेंगे 4 रन। थैंक यू डीजे मास्टर। कई कबार क्रिकेट में रिवर्स स्वीप का अस्त्र निकाला जाता है, आज इसी बल्लेबाज ने एक बार फिर उसी प्रकार की स्ट्रोक, बेमिसाल टाइमिंग, इस बार टाइमिंग के साथ चली जाएगी गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए, क्या नजाकत थी स्ट्रोक में। थैंक यू डीजे मास्टर। दर्पेश परदेसी यहां पर बिल्कुल महंगे हुए, 21 रन इस ओवर में दिए हैं, जहां पर 2 रिवर्स स्वीप, एक डीप मिड विकेट के ऊपर चौवा और एक छक्का भी लगाया, कुल मिलाकर 3 चौवे 1 छक्का 2 वाइड और 1 सिंगल,
तकरीबन 21 रन पहले ओवर में बनाए जा चुके हैं। केल्विन ब्लास्टर्स, ब्लास्टर्स यहां पर बल्लेबाजी करते समय और मास्टर सूर्या 11 फील्डिंग करते समय नजर आएंगे, लेकिन मास्टर सूर्या 11 यहां पर जीतना चाहेगी, लेकिन जीत की राह उतनी आसान नहीं होगी जिस प्रकार पहले ओवर में 21 रन यहां पर बनाए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। गेंदबाज यहां पर बदले जा चुके हैं, अब लारा आ चुके हैं। सुलक्षण भुईर क्या तजुर्बा दिखाया था, इससे पहले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी, कई कई प्रतियोगिता इस गेंदबाज ने अपने टीम को बड़ी जीत दिखाई है। कामोटा टीम के सबसे धुरंधर खिलाड़ी रह चुके हैं आज एक बार फिर। इस बीच हवा में खराब संपर्क हुआ, टाइमिंग नहीं हो पाई, लेकिन कैच यहां पर छोड़ा खिलाड़ियों ने। जब जब क्या छूटे हैं दोस्तों, इतिहास रचा है बल्लेबाजों ने। इसी प्रकार का एक मुकाबला हुआ था भारत बनाम पाकिस्तान के बीच, सईद अनवर आए थे ओपनिंग के लिए, जब अजय जडेजा ने दो कैच छोड़े, सचिन तेंदुलकर ने एक कैच, कुल मिलाकर पांच कैच छूटे थे और 194 रनों की पारी सईद अनवर ने बनाई थी। लगभग 13 से 14 साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 194 रनों का यह लक्ष्य टारगेट की तरह रहा, रिकॉर्ड की तरह रहा। कैच छूटने के बाद बड़े बड़े मुकाम बल्लेबाजों ने पूरे किए हैं, तो यहां पर एक कैच छूटा है कि यहां पर यह बल्लेबाज भी एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा, यहां पर एक बड़ी कोशिश करेगा, एक बड़ा योगदान दे पाएगा, क्या फिर एक बार फिर आउट होकर मैदान से वापस आएगा। कई सवाल मन में होंगे। गेंदबाज तैयार, यह लोबर फुलटासी इनसाइड एज लगा, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, लेकिन खुश नसीब रहे वहां पर गेंदबाज की गेंद नॉनस्टॉप एरिया में नहीं चली जा पाई, बिल्कुल सिंगल लेने का भी मौका नहीं मिला। केजीएन धमाका 2020 का ये अंतिम मुकाबला आज के दिन का खेला जा रहा है दोस्तों। एक बार फिर रिवर्स अटेम्प्ट किया, लगातार रिवर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो पहली मर्तबा महिला जयवर्धन ने रिवर्स अटेम्प्ट किया था, उसके बाद रिवर्स छक्का लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे इंग्लैंड के। पीटरसन, ये बड़ी स्ट्रोक, ओ क्या टाइमिंग थी, बेमिसाल टाइमिंग के साथ ताकत को पूरे तरह से झोंका इस स्ट्रोक के ऊपर और आसन के साथ 6 रन हासिल किए। थैंक यू डीजे मास्टर, 6 रनों के साथ स्कोर कार्ड में तब्दीली, 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। अगली गेंद यहां पर आएगी, इस बीच क्या नजाकत थी, लेकिन गैप सिलेक्शन नहीं निकाल पाए, स्ट्रोक में काफी बिल्कुल कला थी, नजाकत थी। सिंगल के साथ संतुष्ट रहेंगे बल्लेबाज, संतुष्ट रहेंगे टीम। टोटल स्कोर स्कोर कार्ड के ऊपर दो ओवर के बाद 14.5 की औसत यहां पर रखी जा चुकी है, 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। फिलहाल तीन ओवर का खेल अभी तक बाकी होगा, तीन ओवर में कितने रन बना पाएंगे अपने टीम के लिए ये भी सोच में डाले हैं दोनों टीमें। एक ही टीम अभी तक तीसरे दिन में क्वालिफाई हो चुकी है, यानी कि रवि किरण 11 सचिन गुवारी की टीम इस प्रतियोगिता में क्वालिफाई राउंड में पहुंच चुकी है, तो बाकी की 9 टीमें यहां पर बिल्कुल प्रयास अभी भी जारी है और अंतिम दिन कल का होगा। कल के दिन के सुबह के सत्र में सभी साफ जाहिर होगा कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल और फाइनल के राउंड में खेलेंगी। यह पुल किया, पुल हवा में है और देता हुआ सक्सेसफुल 4 रन।
बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर रवि किरण 11 और प्राप्ति प्रियांश 11, ये दो टीमें आगे चल रही इस प्रतियोगिता में। ये शॉर्ट गेंद थी लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए, लेकिन वाइड गेंद जरूर यहाँ पर अंपायर ने जताई। वाइड गेंद के साथ स्कोर में तब्दीली आ चुकी है, टोटल स्कोर स्कोर कार्ड के ऊपर लगेगा। पैतीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं, 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। अगली गेंद, गेंदबाज तैयार। इस बीच बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, फसले पे गेंद, यहां पर खतरा मोड़ लिया, विकेट का पतन होगा। जहां पर कोई आवश्यकता नहीं थी उसी क्षेत्र में यहां पर खिलाड़ी आउट होकर मैदान से वापस लौटेंगे। पहले विकेट का पतन। बिल्कुल पहले विकेट का पतन यहां पर हो चुका है। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर जाएंगे, नवीन गुवारी आउट होने वाले बल्लेबाज। निकेश भगत यहां पर आउट होकर डगआउट में लौट चुके हैं। हालांकि केविन ब्लास्टर को यहां पर ज्यादा मौका नहीं है, लेकिन चाहेंगे जरूर कि एक और दो अंक यहां पर जोड़े जाए ताकि अगले प्रतियोगिता में जो हमारे ऑनर है जिनको यहाँ पर थोड़ी सी राहत भरी सांस लेने का मौका मिले। आत्मविश्वास बढ़ता है जब हम अंतिम मुकाबला जीतते हैं दोस्तों, क्योंकि हार मायने नहीं रखते, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, ये जीवन ये खेल है उसे खेलना जरूरी है। तो यही खेल, खेल भावना के साथ खेले जाने वाला ये क्रिकेट आज के दिन एक बढ़िया प्रयास किया जाएगा दोनों टीमों के साथ। ये शॉर्ट गेंद पुल किया हवा के साथ, पुल पुल एंड सक्सेसफुल, चार रनों के लिए। तो निश्चित तौर पर बढ़िया बल्लेबाजी, चार रन यहां पर और जुट जाएंगे। अगली गेंद यहां पर इस गेंदबाज की, शॉर्ट गेंद पुल किया हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी आएंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। विकेट नंबर दो बिल्कुल अच्छी साझेदारी के बाद एक और विकेट का पतन आता हुआ। ये पूरी प्रतियोगिता YouTube चैनल के द्वारा लाइव चित्रित की जा रही है वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट के माध्यम से। देखे जा सकते इस पूरी प्रतियोगिता को YouTube चैनल के ऊपर, हर एक गेंद का विवरण। ये दुधारी तलवार थी, वाइट की मांग जरूर की लेकिन बल्लेबाज ने छोर बदला था, कोशिश की थी रिवर्स स्वीप की, यहां पर पकड़े गए बल्लेबाज, नाकामयाब हुए बल्लेबाज। अगली गेंद यहां पर करेंगे गेंदबाज, और एक बार फिर रिवर्स स्वीप अटेंड किया, खिलाड़ी तैनात होंगे नीचे। बिल्कुल एक और विकेट का पतन आता हुआ। तो बिल्कुल अच्छी स्टार्ट के बाद लगातार विकेटों का पतन, यानी कि अब कहीं जाके केविन ब्लास्टर की टीम दिक्कत में आ रही है। रन यहां पर ज्यादा है लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर विकेट भी गिर चुके हैं, तो चिंता का विषय होगा। केविन ब्लास्टर, सागर पाटिल यहां पर कप्तान,
क्या सोचते हैं अपने टीम के बारे में, लेकिन मास्टर सूर्या इलेवन के कप्तान अतुल पाटिल को कुछ सोचना होगा, सोचने के ऊपर मजबूर भी होना होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, 365 साल इंतजार करना पड़ेगा। इस ट्रॉफी के ऊपर अगर अपना नाम लिखना है, इस ट्रॉफी को जीतना है, इस टूर्नामेंट को चैंपियन बनना है, तो आज अभी और फिलहाल इसी वक्त करके दिखाना होगा। मास्टर सूर्या इलेवन रनों के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। सुलक्षण एक बार फिर चौथा ओवर आ चुके हैं। टोटल स्कोर 38 स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुकी है। अभी भी फिलहाल दो ओवरों का खेल बाकी, यानी कि 12 गेंदों का खेल बाकी होगा। और कहीं जाके यहां से कितने रन बनाते हैं, मेरा ये मानना है प्रेडिक्शन 60 से ऊपर चला जा सकता है स्कोर। अच्छी कोशिश, डीप एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच गेंद को खेला, सिंगल और डबल के साथ स्कोर में तब्दीली आ चुकी है। 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। जितने कम रन उतना ज्यादा फायदा होगा मास्टर सूर्या इलेवन टीम को, क्योंकि चाहते हैं यहां से अगर जीत होती है तो कल यहां पर और मौका बढ़ सकता है अपनी टीम के लिए आगे बढ़ने का। लेकिन आज अगर चूकते हैं तो कल का मुकाबला बिल्कुल औपचारिकता रहेगी उनके मुकाबले में। तो आज सुलक्षण पूरी तरह से तजुर्बा अनुभव का इस्तेमाल करते समय गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद, इस बीच जोरदार प्रहार करने का प्रयास किया गया, कारपेट के सारे जमी को चूमती हुई गेंद, सिंगल तेजी से भागकर पूरा किया, दूसरे रन की कोशिश और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। यहां पर थोड़ा सा पंबल हुए खिलाड़ी, लेकिन दो रनों के ऊपर संतुष्ट रहना पड़ेगा। केजन धमाका 2020 ये चालू प्रतियोगिता, लगभग 4 दिन का ये खेल, 4 दिन में 10 टीमें यहां पर शुमार हुई, 10 ऑनर, कहीं मेहमान, कहीं खिलाड़ी, सब कुछ देखने को मिला। यहां पर पैरों के ऊपर गेंद को रखा गया था, सिंगल लेने की कोशिश जरूर की, लेकिन शायद बाइज या लेग बाइज या बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा हो। अंपायर से दरख्वास्त होगी कि इशारा दिया जाए, बाइज लेग बाइज या बैट कट से शायद बल्ला लगा था गेंद के ऊपर, क्योंकि हर एक प्राइज यहां पर बड़ी होगी। मैन ऑफ द मैच हो, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, सब कुछ है। इस बीच अपील की, अंपायर की उंगली आसमान के ऊपर, पकड़े गए यहां पर खिलाड़ी, वापिस लौटेंगे गजानन गोवारी। बिल्कुल भगवान समान छत्रपति शिवाजी महाराज की वो कहानी है, 389 साल बाद भी एक ही राजा, एक ही नाम और एक ही सोच और एक ही योद्धा पूरे विश्व में, जिनका नाम है, कई राजा हुए लेकिन मेरे राजा जैसा कोई दूसरा राजा पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उनका कारनामा ऐसा था। वो लड़े भी वैसे और जिए भी उसी तरह, सिंगल मुकम्मल। दूसरे रन की कोशिश करेंगे, यहां पर डायरेक्ट थ्रो करने का प्रयास और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। देखते हैं कि आंखों ही आंखों में इशारा किया और मानो कि दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। चौथा ओवर यहां पर पूरा कर रहे हैं सुलक्षण, लारा राम से जाने जाते हैं। आज पूरी तरह से अनुभव का इस्तेमाल किया है, मैंने देखा इस गेंदबाज को पूरी तरह से अनुभव का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद ट्रैवल हुई कारपेट के सहारे, सिंगल मुकम्मल हुआ, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर, टोटल स्कोर स्कोर कार्ड के ऊपर देखी जा सकती है 46 रन। 4 ओवरों के बाद 46 रन, अंतिम ओवर बाकी होगी और अंतिम ओवर में
कितने रन यहां पर बनाएंगे, कितने रनों की कोशिश होगी, कितना बड़ा टारगेट होगा। अगर अंतिम ओवर में ज्यादा रन चले गए तो मास्टर सूर्या 11 टीम के लिए यहां पर कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि खुद को इस प्रतियोगिता में जीवित रखना है तो बिल्कुल कम से कम रनों के ऊपर इस पारी को रखना होगा। लेकिन अंत में केविन ब्लास्टर भी चाहेंगे कि यहां से और एक झटका मास्टर सूर्या 11 को दिया जाए, क्योंकि हम अगर बाहर होते हैं तो दूसरे टीम को भी बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश हमारे ओर की जाएगी। तो यही कोशिश करने के प्रयास केविन ब्लास्टर की टीम करेगी। आजू बाजू वाला सब विभाग बदल चुका है, गांव बदल चुके हैं, गांव में रहने वाले इंसान बदल चुके हैं, मेहमान नवाज बदल चुके हैं। अब ज्यादा लोग बाहर से यहां पर आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन सभी जाति और धर्म को जोड़ने वाला ये खेल, खेल भावना से खेले जाने वाला ये खेल। एक सौ 32 खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, तीन गांव से 132 खिलाड़ी। ओहो, क्या स्ट्रोक है, नजाकती, टाइमिंग बेमिसाल और देखने लायक ये स्ट्रोक 6 रन। बिल्कुल क्लास नजर आई, मानो कि विराट कोहली ने जिस प्रकार दीपेक्षा कबर के बीचों बीच छक्का लगाया हो, ताकत थी, नजाकत थी, टाइमिंग बेमिसाल थी उसी क्षेत्र में। अब इस बार खिलाड़ी वहां पर तैनात, दूसरे की कोशिश यहां पर करेंगे, खतरा मोड़ लिया छक्का लगाने के बाद। यहां पर देखिए भागम भाग है, कौन से खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए जाएंगे, यही तुतुमयमय है और यही आकाश शायद हार की वजह भी हो सकती है। लगातार रन संख्या बनी थी, लेकिन बाद में एक और विकेट का पतन यहां पर हुआ। अब आगे आके खेलने का प्रयास, डांसिंग द ग्राउंड, स्टेप आउट हुए थे वहां पर खिलाड़ी, लेकिन शायद सुरक्षित पंपिंग क्रीज में पहुंच चुके हैं। गिल्लिया काफी देरी से उड़ी थी, इस वजह से नॉट आउट करार दिया अंपायर ने। अगली गेंद यहां पर, गेंदबाज तैयार होंगे, यह जगह बनाने की कोशिश की यहां पर, रन के लिए यहां पर जरूर भागेंगे, लेकिन रन लेते लेते समय यहां पर एक बार फिर एक और विकेट का पतन आता हुआ। ओवर फुल टॉस, लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर आई, सिंगल मुकम्मल किया, सिंगल के ऊपर संतुष्ट रहेंगे बल्लेबाज, संतुष्ट होगी टीम। हालांकि इस ओवर में छक्का जरूर आया, लेकिन बाद में रनों के ऊपर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की इस गेंदबाज ने। टोटल स्कोर कार्ड देखा जा सकता है, 53 रन। इस बीच बड़ी स्ट्रोक हवा में होंगे, गेंद के नीचे खिलाड़ी कैच को छोड़ा है, सिंगल यहां पर मुकम्मल किया, दूसरे की कोशिश करेंगे। अब दूसरा रन लेते लेते यहां पर बिल्कुल आउट हुए हैं बल्लेबाज, यानी कि पहला पड़ाव यहां पर दोस्तों खत्म हो चुका। पहले पड़ाव के बाद बिल्कुल रन बने हैं 54, यानी कि 55 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया जा चुका है। 56 रनों का टारगेट दोस्तों यहां पर रखा जा चुका है। आप देख रहे हैं केजीएन धमाका 2020 का ये आज का तीसरा दिन, तीसरे दिन का ये अंतिम मुकाबला और अंतिम पड़ाव यहां पर बाकी होगा। 56 रनों का टारगेट यहां पर रखा जा चुका है, क्या जवाब देंगे यहां पर, क्या कुछ होगा, तब तक के लिए सुनते एक बार फिर एक सुमधुर डीजे धुन।
तो बिल्कुल 56 रनों का टारगेट यहां पर होगा आज का ये केजीएन धमाका 2020। सुशांत जी आपको मालूम नहीं होगा, आपने यहां पर हमें मौका दिया है, लेकिन उरन एरियाज में और पूरब में ज्यादातर हमने कमेंट्री की है, लेकिन पहली मर्तबा पनवेल के जमी के ऊपर क्रिकेट के ऊपर कमेंट्री करने का हक आपने यहां पर दिया, मौका भी आपने दिया, तो आपका हम तहे दिल से स्वागत और आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि कई बार मौके आए थे लेकिन हम दूसरी ओर होने के कारण नहीं जा सकते थे, लेकिन आज पहली मर्तबा पनवेल में क्रिकेट की कमेंट्री का इस केजीएन धमाका 2020 में मौका मिला, तो हम केजीएन के सभी आयोजक कर्ता, सभी कमेटी मेंबर्स, सभी खिलाड़ी, इनका तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपका प्यार इसी प्रकार हमारे ओर बढ़ा रहे, आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ी रहे और आपके आशीर्वाद भी हमारे साथ रहे, यही मनोकामना यहाँ पर की जाएगी। 56 रनों का टारगेट होगा और जवाबी हमला देने के लिए यहाँ पर मास्टर सूर्या 11 बना केविन ब्लास्टर के बीच। मास्टर सूर्या 11 के सलामी दो बल्लेबाज मैदान के ऊपर उतर जा चुके हैं, देखना होगा 30 गेंदे 56 रन यहाँ पर होंगे और क्या यहाँ पर चेस कर पाएंगे, या फिर केविन ब्लास्टर या अपना अंतिम मुकाबला शायद डिपेंड करने में कामयाब होंगे। केविन ब्लास्टर सागर पाटिल कप्तान है, अतुल पाटिल सूर्या 11 की कप्तान, कामोठे जुई नोपाड़ा प्रीमियर लीग 2020 का ये धमाका था, ये चौथा साल और अतुल पाटिल शायद अपने टीम के खुद ऑनर है, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कोई भी मंच खड़ा हो सकता है दुनिया में, लेकिन मंच को खड़ा करने के लिए सहायता काफी आवश्यक होती है, जो सहायता यहाँ पर जिन जिन लोगों ने दिए हैं उनका भी यहाँ पर तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त किया जाएगा। एक बड़ा मंच यहाँ पर बनाया इस प्रतियोगिता में, एक बड़ा संयोजन। पहली गेंद 56 रन यहाँ पर डिपेंड करने हैं और पहली गेंद यहाँ पर डॉट आई है, तो शायद पैरों में काफी मोच आई है, मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मुसीबत में होंगे बल्लेबाज, कभी कभी तेज धूप, शरीर में पानी की कमी होने के कारण मांसपेशियों में खिंचाव होता है और यही मांसपेशियों में खिंचाव आ चुका है, तो उतनी ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी, ये भी प्रार्थना होगी और दुआ भी होगी, क्योंकि मांसपेशियों में जब जब खिंचाव आता है तो काफी मुसीबत में होते हैं खिलाड़ी। चोटिल हुए खिलाड़ी पहले गेंद के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत, कई मर्तबा क्रिकेट में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसी घटनाएं हुई है, मांसपेशियों में खिंचाव आना, कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, सिर के ऊपर गेंद लगना, कई कई चीजें देखने को मिलती है। ऐसा ही एक मुकाबला दोस्तों हुआ था भारत बनाम पाकिस्तान के बीच, अनिल कुंबले के सिर के ऊपर गेंद लगी थी और भारत हार के कगार के ऊपर था, शायद अनिल कुंबले वहां पर ना खेलते तो भारत हार सकते थे, लेकिन गहरी चोट के बाद अनिल कुंबले पूरी तरह से पट्टी लगाकर एक बार फिर मैदान के ऊपर वापस लौटे और लगातार एक ओवर में 2 विकेट हासिल किए और भारत ने शानदार जीत को हासिल किया। ये डेडिकेशन होता है, हम कितने कमजोर है अंदर से ये मायने नहीं रखता, हम बाहर से भी कितना हमारा आत्मविश्वास दिखाते हैं लोगों को, ये भी कई कभी चीजें मायने रखती है। तो अब ये चोटिल होने के बाद शायद बाहर आते हुए खिलाड़ी नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर चले जाएंगे, मांसपेशियों में खिंचाव, गहरी चोट, रोशन यहाँ पर खिलाड़ियों के साथ हंसी मजाक करते समय सहायता होती है दोस्तों की, क्योंकि दोस्तों की कीमत दोस्ती जाने, जब दोस्ती टूटती है तो गहरी चोट होती है हृदय के ऊपर,
लेकिन आज 132 खिलाड़ी आपस में दोस्ती निभाते हुए, न केवल खिलाड़ियों की दोस्ती निभाई है, ये तीन गांव यहाँ पर दोस्ती का प्रतीक दिखाते हुए, चाहे वो कामोटा हो, जी हो, नौपाड़ा हो, इन तीन गांवों के बीच एक बड़ी गहरी दोस्ती बन चुकी है। कारण क्या है? तो ये क्रिकेट है। अगर ये क्रिकेट का प्रीमियर लीग का मंच ना होता तो शायद जो पहले 10 साल पहले वाद विवाद चला करते थे इस गांव के बीच, वही कारनामा यहां पर देखने को मिलता। लेकिन क्रिकेट ने एक बार फिर हमें जोड़ा है, ये क्रिकेट की ताकत है। और इसी के साथ विकेट का पतन आता हुआ, बिल्कुल पहले विकेट का पतन। तो बिल्कुल संकट में होगी, एक खिलाड़ी चोटिल हुए, उनकी जगह लेने के लिए नए खिलाड़ी गए, महत्वपूर्ण थे, लेकिन पहली गेंद के ऊपर लाइक द बिफोर आवर ढोकर मैदान से वापस लौटे। तो मास्टर सूर्या टीम संकट में है। तो इस दरमियान यहां पर देखे जा सकते हमारे कमेंटेटर आकाश जी शिरके यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस ओवर के बाद उनकी आवाज हम सुनेंगे। तो आज आकाश जी शिरके एक ओवर के बाद चार ओवर का विवरण उनके आवाज से यहाँ पर होगा। तो आइए हम आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं। तो चलते हैं आकाश शिरकी की ओर, अगली आवाज होगी उनकी। स्वागतम, सुस्वागतम, सहर्ष स्वागतम। अवघेची त्रैलोक्य आनंदाचा आता, चरणी जगन्नाथ चित्त ठेले, माय जगन्नाथ बाप जगन्नाथ, अनाथाचा नाथ जनार्दन, एका जनार्दनी एकपणे उभा, त्रैलोक्याची शोभा शोभत असे। नमस्कार मंडळी, सर्वांचं स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून। घेऊन जाऊयात मैदानाच्या आतमध्ये, जिथे गाजतंय कामोठा जुई नौपाडा प्रीमियर लीग, KGN धमाका 2020 चा मंजर आहे। आणि या अतिशय सुरेख अशा सामन्यामध्ये आपण आज इथे मात्र क्रिकेटचा मनसोक्त आनंद घेतोय। आणि या आनंदाचं प्रतिकरण करण्यासाठी आज इथे मला मात्र इन्व्हाइट केलं गेलं, त्याबद्दल मी सुशांत पाटील याचं मनाच्या अंतकरणापासून स्वागत करतोय आणि घेऊन जातोय मैदानाच्या आतमध्ये। धावांचा ओघ पाहिला तर आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत एकूण 5 धाव आहेत धाव फलकावरती। आणि गोलंदाजीसाठी जर आपण विचार केला, सागर पाटीलला निवडलं, 4 चेंडू मध्ये त्यांना अध्यापपर्यंत 5 धावा खर्च केल्यात आणि एका गड्याला मात्र बाद केलंय। चालू झाला हा चेंडू असणार आहे, इथे आपण पाहतोय गुड लाईन स्पॉटला पिचिंग पाहिली, चेंडू मध्ये टप्पा अतिशय सुरेख होता आणि यावेळी उसली मिळाला कारणास्तव चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावला जातोय, परिणामतः एका निर्धाव चेंडूची संख्या झाली आहे। हा चेंडू टॅप क्रिकेट, सुंदर असं टॅप क्रिकेट पाहायला मिळणार आहे। प्रभाकरला आपण पाहत होतो, जो स्ट्रायकर एंड वरती खेळत होता फलंदाज प्रभाकर मात्र असं नाव आहे, कामोठ्यामधील एक बुलंद खेळाडू म्हणून आपण त्याच्याकडे नेहमीच पाहत होतो। आज मात्र KGN ट्रॉफी मध्ये त्याची गाठ पडली आहे गोलंदाज सागर पाटीलशी आणि इथे मात्र पहिल्या षटकाचा खेळ संपला देखील जातोय। पहिल्या षटकाचा खेळ झाला समाप्त, पहिल्या षटकामध्ये जर विचार केला एकूण धावांचा तर धावसंख्या फलकावरती आहेत 6 धावा आणि या 6 धावा जमा करत असताना एका गड्याचा मोबदला मोजलाय फलंदाजी करणाऱ्या संघानं। इथे 56 धावांचं टार्गेट आहे आणि 56 धावा कशा बनणार आहेत आपण पाहणार आहोत। आता 4 षटकांचा खेल बाकी असणार आहे आणि या 4 षटकामध्ये या धावा कशा बनतील हे पाहूयात आपण। यावेळी नवीन गोलंदाज निवडला जाणार आहे, त्यासाठी छोटीशी टीम मीटिंग घेतली संघनायकाने आणि त्या टीम मीटिंग मध्ये जो प्रश्न पडला होता की कुठला गोलंदाज आपण निवडायचा, त्या प्रश्नावरती उत्तर सापडलंय। गोलंदाज रोशन चिमणे, हा चेंडू आपण पाहिला अतिशय सुरेख होता, चेंडूला लगेच मोठा फटका मारण्यासाठी त्यांना हिम्मत दाखवली होती, मात्र यावेळी चेंडूला ओळखू शकला नाहीये आणि लेग बाईच्या स्वरूपात मात्र धावा चोराव्या लागतायत।
या धावा चोरले असताना संघाच्या खात्यामध्ये धावा ऍड देखील केल्या जातील आणि संघ इथून पुढे सरकताना आपण पाहणार आहोत संघाची एकूण धाव संख्या आहे 7 एक गडी बाद फलंदाजी आता रोशन चिमणे गोलंदाजीसाठी आला असताना पहिला चेंडू त्यानं सुरेख फेकलाय आ चेंडू टॅप क्रिकेट एक्सपर्टली इन्क्लूड इन टू दी गॅप चेंडू थांबणार नाहीये चेंडू फरार सीमा पार आणि या दरम्यान मिळतोय 4 धावांचा चौकार थँक्यू केविन ब्लास्टर आणि मास्टर सूर्या 11 या दोन टीम आपण पाहतोय आणि यांच्या दरम्यान हे घमासान युद्ध आहे एका बाजूला अतुल पाटीलची सर्व सेना आहे दुसऱ्या बाजूला सागर पाटील त्याच्या विरोधात खेळतोय आताचा सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळणार आहे थर्ड मॅन क्षेत्रामध्ये खेळून काढलं आणि आता मात्र क्रिकेटमधील नजाकत पाहायला मिळाली आहे क्रिकेटमधील मादक सौंदर्य पाहायला मिळालंय 4 धावा सुंदर असा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला इथे फलंदाजा अतुल स्ट्रायकर एंडवरती खेळताना आपण पाहतोय अतुलला पंचांचा इशारा वाईटचा इथे येताना आपण पाहिलाय वाईट आलाय वाईटची अतिरिक्त चेक धाव संघाच्या खात्यामध्ये आता मात्र ऍड होणार आहे आणि संघाचं खातं मजबूत होताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे वळूयात धावफलकावरती आपण पाहतोय नजर टाकली तर दृष्टिक्षेपामध्ये पाहायला मिळत आहे 16 धावा अद्यापपर्यंत 16 धावा एखादी ताडपत्री गुंडाला बी इतक्या सहजपणे धावा बनवतायत मात्र विकेट येतील का इथे पहा कसा फटका खेळला होता तितक्याच तातडीनं लगेचच तिथं आपण पाहतोय जो क्षेत्ररक्षक आहे त्या क्षेत्ररक्षकानं चेंडूला अडवलं आणि फेकलं दरम्यान स्ट्राईक रोटेशन मधील सातत्यपणा टिकवून ठेवण्याचं कार्य चालू आहे विकेटवरती आणि एका धावेची मॅरेथॉन खेळली जाते एका धावेनं संघाच्या अकाउंट मध्ये भर संघाचं खातं मजबूत आणि संघ जाऊन पोहोचला यावेळी एकूण 17 धावांकावरती फुलटॉस म्हणजे आमंत्रण असतं फेकून दिला प्रेक्षकांत मिड विकेट क्षेत्रामध्ये एका टप्प्यानं मर्यादा ओलांडली आणि चौकार संघाच्या खात्यात 4 धावा हॅलो तर इथे आपण पाहतोय या प्रभाकर आता मात्र स्ट्रायकर एंडवरती आलाय आणि या प्रभाकरनं एक चौकार दाखवला होता पंचांचा इशारा पुन्हा एकदा वाईटचा नियम क्रमांक 25 लागू पडणार आहे आंतरराष्ट्रीय नियम परिषद आणि त्या परिषदेमधील तिसऱ्या क्रमांकाचा असा घेऊन पंच मैदानाच्या आतमध्ये पंचांची भूमिका साकारतायत आणि दुसऱ्या बाजूने जर विचार केला तर मैदानाच्या आतमध्ये जो फलंदाज उभा आहे तो पहिल्या क्रमांकाचा असा घेऊन फलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे 12th मॅन दुसऱ्या क्रमांकाचा आसरा घेऊन मैदानामध्ये जाऊ शकतात मात्र एकाला आतून बाहेर देखील यावं लागतं हा क्रिकेटचा नियम आहे दरम्यान या मैदानाकडे जर आपण लक्ष दिलं तर इथे आपल्याला कार्पेटचा फटका पाहायला मिळणार आहे जो वेगानं ट्रॅव्हल झाला होता काऊ कॉर्नर क्षेत्रामध्ये तिथे आपण पाहिलं लगेच अडवणी झाली आणि फेकी झाली आणि दरम्यान जर विचार केला तर इथे 2 धावा या चेंडूवरती आल्या जात आहेत रोशन चिमणेला आपण पाहत होतो त्यानं आपलं षटक इथे समाप्त केलं आणि 2 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर संघाची एकूण धावसंख्या पाहायला मिळणार आहे ती म्हणजेच 24 आणि 24 धावा जमा करत असताना एक गडी बाद झाला तो आपण पाहिलं होतं संजय गावंड्याला थँक्यू बघा कशी मैत्रीपूर्ण लढत आहे आणि या मैत्रीपूर्ण लढत 3 गावांमधून ही प्रीमियर लीग आपण पाहतोय 3 गावांमधून उत्कृष्ट असे खेळाडू निवडले जातात आणि त्यांच्यामध्ये मात्र आपापसातील प्रेमाचे संबंध घट्ट करण्याकरिता आयोजकांनी हा अट्टहास केलाय नाव दिलं या स्पर्धेला कामुठा जुई नौपाडा प्रीमियर लीग KGN धमाका 2020 आणि या धमाक्याचा आज आपण इथे मात्र एन्जॉय करतोय सर्व प्रेक्षक जे आम्हाला आज इथे ऐकतायत त्यांना पुन्हा एकदा आपण शुभेच्छा देऊयात त्यांचं आपण स्वागत करूयात आणि घेऊन जाऊयात मैदानाच्या आतमध्ये जिथे समीकरण वाचलंय 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे 32 धावांची 18 चेंडू 32 धावा काय घडेल काय बिघडेल कोण जिंकेल कोण हारेल कोण रचेल इतिहास आणि कोण ठरेल मैदानावरील खास यासाठी चाललेला अट्टास आहे विवेक गोवारी शॉर्ट ऑफ लेंथची चेंडू होता
त्याला आपण पाहतोय चांगला फटक्यामध्ये कन्वर्ट करता आला असतो आणि केलं देखील आहे. मिसफील्ड थोडीशी झाली, विकेट मिळाली असती मात्र तसा होत नाहीये. आणि आता मात्र सहा धावा अतुलच्या खात्यामध्ये, सहा धावा मास्टर सूर्या इलेव्हन संघाच्या खात्यामध्ये. षटकार आपण पाहिला आहे, षटकारानं थोडासा फरक पडणार. आता फुल टॉस दिलाय आणि फुल टॉसला आता आपण पाहतोय कसं अडवलं जाणार आहे. पुन्हा एकदा मिसफील्ड, मिसफील्ड इज हेअर अँड एक्स्ट्रा रन्स इज देअर, या प्रकारचं समीकरण. दरम्यान पाहतोय सहा धावांचा इशारा पंचांचा आला, दोनही हात पंचांनी वर उचलले आणि इशारा पोचवला की हा षटकार आहे. म्हणजे षटकारानं आपण पाहतोय कशा रीतीनं जे फुल टॉस चेंडू येत आहेत त्यांना पनिश करतोय. इथे मात्र फलंदाजांना झेल, फलंदाजांचा झेल टिपावा लागेल क्षेत्ररक्षकांना, कारण की झेल घेणं खूप महत्वाचं असतं. लिओ कॅच जितो मॅच, पकडा झेल जिंका खेळ, कदाचित विसरलेत की काय हे फलंदाज, हे गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक, हे देखील त्यांना समजणं खूप गरजेचं आहे. हा चेंडू चांगला फटका गॅप मध्ये, इट इज अ क्रॅकिंग स्ट्रोक, नो चान्स फॉर स्टॉपिंग, दॅट्स कुल बी फोर रन्स. थँक्यू. बघा जीवनदान आता मात्र कसं रंगलं जात आहे, ही जीवदानं अशीच असतात मैदानामध्ये. आपण पृथ्वीराज चव्हाणांचं ते युद्ध पाहिलं होतं, तिथे 17 वेळा मोहम्मद गौरीला त्यांनी हरवलं होतं आणि जीवनदान दिलं होतं. 18 वेळी मोहम्मद गौरीनं मात्र पृथ्वीराज चव्हाणांचा वध केला होता, तेव्हा त्याला माहिती होतं की जीवनदान देणं किती महाग आहे. आता इथे आपण पाहतोय निकेशला माहिती आहे की जीवनदान देणं किती महाग आहे. आणि या दरम्यान अतुलचा झेल पकडला असताना एक मोठा धक्का बसला जातोय मास्टर सूर्या इलेव्हन कामोठे संघाला. थँक्यू थँक्यू. फलंदाज बाद झालाय, एकूण धावा धावा फलकावरती आहेत, त्या म्हणजे 40 धावा धावा फलकावरती आहेत आणि 16 धावांची गरज आहे आता मात्र जिंकण्यासाठी सूर्या इलेव्हन संघासाठी. या धावा कशा येणार आहेत, अतुल पाटील या संघाचा संघनायक आहे आणि संघनायकाचं उत्तरदायित्व काय असतं ते त्याने दाखवून दिलं जेव्हा त्याला जीवनदानं मिळाली. आणि आपण आधी म्हटलं होतं की जीवनदानं कशी असतात, पहा मैदानाच्या आतमध्ये ती रंगली जात आहेत. सहा चेंडूमध्ये 30 धावांची बहारदार केली अतुलची आपण पाहिली होती. इथे परेश चौथाललाय, प्रभाकर चौथाललाय आणि आपण पाहतोय त्याच्या बॅट मधून हा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. षटकार यावेळचा चेंडू अतिशय सुरेख फटका केलाय प्रभाकर मात्रे नावाचं वादळ आता पाहायला मिळत आहे. षटकार बघा, म्हणजे एक जीवनदान मिळालं. तिथं जर सुशांत यांनी झेल पकडला असताना तर आता मात्र केविन ब्लास्टर संघ आपला वेगळाच ब्लास्ट दाखवू शकला असता, तसं होत नाहीये. आणि जे जीवनदान दिलं होतं त्या जीवनदानाचा फायदा उचलला जातोय मैदानाच्या आतमध्ये. पहिल्यांदा पाहिलं अतुल नावाचं झंझावात पाहायला मिळालं, आता मात्र प्रभाकर नावाचा अनुभव मोठ्या धडामधूमपणे फुटलाय मैदानाच्या आतमध्ये. नवीन गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळणार आहे यावेळी जॉनी. हा जॉनी सेन्स नाहीये मात्र याला खूप सारा सेन्स आहे या क्रिकेट मधला, तो जॉनी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे यावेळी गोलंदाजीसाठी. इथे चांगला फटका मिडविकेट क्षेत्रामध्ये आपण पाहतोय, जमिनीची धूळ चाकत चाकत चेंडू ट्रॅव्हल झाला, त्या
क्षेत्रामध्ये त्या एरियामध्ये आहे आणि तिथे जर विचार केला चेंडूची अडवणी होताना पाहायला मिळते आहे आणि एका धावेचा बोनस संघाच्या खात्यामध्ये ऍड केला असताना आता प्रभाकर स्ट्रायकर एंडवरती आपण पाहणार आहोत. प्रभाकर म्हणजे एक प्रकारचा मोठा झंझावात आहे, विस्फोट आहे आणि हा विस्फोट आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. आता स्ट्रायकर एंडवरती आलाय पुन्हा एकदा विजयी फटका येईल की काय. इथे जेल घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आणि या दरम्यान मिस टायमिंग स्ट्रोक, उंची जास्त आणि लांबी कमी असा फटका फलंदाज बाद होताना पाहायला मिळाल. थँक्यू. तर आपण पाहतोय इथे जॉनी साठी बक्षीस लगावलं जात आहे, बक्षिसाची सुनावणी आली आहे. जर या जॉनीनं इथे विकेट हॅट्रिक घेतली तर गणेश कुळी यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे. जॉनी घंटा गाडी एक्सप्रेस. इथे मोठा फटका बॅटच्या मधोमध घेतला आणि या एक्सप्रेसला आता मात्र बांध घालून अडवलं, सिग्नल लावला षटकाराचा. धन्यवाद. चला सोनू पाटील वरती यायचं. सोनू पाटील चला. या मॅचच्या अतिशय जबरदस्त शेवटची मॅच होती, परंतु आजच्या या उद्या सर्वांना विनंती आहे, उद्या आपण 9:30 वाजता सर्वप्रथम पहिली मॅच आहे.